हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, क्योंकि अब तक आपने जो वीडियो सुना था वो सभी रोगों के बारे में अलग अलग वीडियो था। हमने अलग अलग वीडियो में अलग अलग मंत्र बताया था, जिस मंत्र के माध्यम से आप अलग अलग रोगों को झाड़ सकते थे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सर्व रोग समाधान मंत्र के बारे में बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक मंत्र से आप सभी रोगों का निवारण, सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस मंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस मंत्र को पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग, इस मंत्र का उपयोग कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वो मंत्र है पर्वत ऊपर पर्वत और पर्वत कटिक शिला पर अंजनी जिन जाया हनुमान नेहला टेहला कांख की कखाई पीछे की आदती कान की कनफेट रांग की बदकंठ की कंठमाल घुटने का डमरू दाढ़ की डढ़सूल पेट की ताप तिल्ली फिया इतने को दूर करे भस्मंत नातर तुझे माता अंजनी की दूध पिया हराम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। मंत्र आपने सुना, मंत्र को आपको ध्यान से दोबारा फिर से सुनना चाहिए। तो मैं आपको दोबारा से इस मंत्र को सुना देता हूँ। मित्रों सुनिएगा ध्यान से। पर्वत ऊपर पर्वत और पर्वत कटिक शिला पर अंजनी जिन पाया हनुमान नेहला टेहला कांख की कखाई पीछे की आदती कान की कनफेट रांग की बदकंठ की कंठमाला घुटने का डमरू दाढ़ की डढ़सूल पेट की ताप तिल्ली फिया इतने को दूर करे भस्मंत नातर तुझे माता अंजनी की दूध पिया हराम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। मित्रों मंत्र आपने सुना, अब हम लोग जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग यानी कि इस मंत्र की विधि के बारे में। मित्रों विधि बहुत सामान्य है। सबसे पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, और मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, आपको शनिवार का व्रत रखना पड़ेगा एवं शनिवार का व्रत रखकर आपको नियम पूर्वक एक माला इस मंत्र का जप करना है। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है, और इसके बाद जब आप मंत्र की सिद्धि कर लेंगे तो राख यानी कि भभूति बनाकर आपको इस मंत्र के प्रयोग से सामने वाले इंसान को झाड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो इंसान समस्त बीमारी से, सभी दुखों से, सभी परेशानी से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद भी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी रह जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें और मैं आपकी सहायता करने का प्रयास पूरा का पूरा करूंगा। तो हम सब मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में YT पुरुषोत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में आप अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय महाकाल। जय हिंद। जय बिहार। जय मिथिला।